गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स बी कंटिन्यू आर टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन. इन आर प्रीवियस टॉपिक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, बीटी कॉटन टर्म, देन आरएनए इंटरफेरेंस एंड साइलेंसिंग, देन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. देन टूडेज आर टॉपिक ऑफ डिस्कशन दैट इज द जीन थेरेपी. तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे जीन थेरेपी के बारे में. ठीक है, जीन थेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ ADA डेफिशिएंसी. तो ADA जो है आपका एडीनोसिन डीएमिनेस जो डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, उसको हम जीन थेरेपी के थ्रू जो हम कैसे ट्रीट करते हैं और जीन थेरेपी हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, एक्चुअली में जीन थेरेपी है क्या, तो इन सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज अपने टॉपिक में. देखिए, ये जो आपकी जीन थेरेपी है, ठीक है, इसमें डिफरेंट यानी कि आपकी वेरियस अप्रोचेस जो है वो कलेक्ट करी जाती है. हम वेरियस अप्रोचेस का यूज़ करते हैं, ठीक है, इस जीन थेरेपी की ट्रीटमेंट के लिए. तो अप्रोचेस का यूज़ क्यों करेंगे, जीन जो हमारा डिफेक्टेड जीन है, ठीक है, जो जीन में डिफेक्ट फॉर्म हो गया है उसको करेक्ट करने के लिए, तो इसी को जीन थेरेपी बोला जाता है. ठीक है, अब देखिए ये आपका डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है, चेन है आपके डीएनए का, ये सीक्वेंस है यहाँ पे. अब यहाँ पे क्या है, देखिए क्या हो गया, एक जीन था जो आपका डिफेक्टेड हो गया, ठीक है, ये आपका एक जीन जो वो जीन में कुछ डिफेक्ट फॉर्म हो गए यहाँ पे, ठीक है, यानी कि आपका जीन जो वो डिफेक्टेड हो गया. अब आपको इस जीन को यहाँ से क्या करना है, बाहर निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जीन डिफेक्टेड हो रहा है तो आप क्या करोगे, अब देखिए ये जो प्रोटीन थी, ये जो आपका स्पेसिफिक जीन था यहाँ पे, ये एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन का फॉर्म करता था जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थी या क्रूशियल थी प्रोटीन आपके लिए. ठीक है, और उस जीन की डिलीशन हो जाने से या यहाँ पे डिफेक्ट फॉर्म हो जाने से आपको पता है एबनॉर्मेलिटीज जो वो कॉज हो जाएंगी. तो अब ये जो जीन है, ठीक है, आपका यहाँ से क्या हो चुका है, या आपका डिफेक्ट फॉर्म हो चुका है उसमें, या फिर आपका यहाँ से डिलीट हो गया है. ठीक है, जीन ही मिस हो गया है, यहाँ पे आपका डिलीट हो चुका है, निकल चुका है यहाँ से जीन. अब क्या हो जाएगा, देखिए अगर जीन निकल चुका है तो उसका एक्सप्रेशन आगे नहीं जाएगा, वो ट्रांसक्राइब नहीं करेगा और वो जो स्पेसिफिक प्रोटीन है वहाँ पर उसकी फॉर्मेशन भी नहीं होगी वहाँ पर. इसकी वजह से अगर ये क्रूशियल प्रोटीन है, बहुत ही बेनिफिशियल थी हमारे लिए और सर्वाइवल के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए, तो वहाँ पे उसके सर्वाइवल के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लेस हो जाएंगे. अब देखिए यहाँ पे जीन थेरेपी मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कुछ वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो वो इंट्रोड्यूस करेंगे. अब इसको क्या करेंगे हम, ये जो इनकोरेक्ट सिक्वेंस यहाँ पर फॉर्म हो गया है जो आपके नाइट्रोजीनस बेसिस का होता है, ठीक है, आपको देख लो जैसे यहाँ पर देखिए सिक्वेंस दे रखा है, मान लो हमारा सिक्वेंस जो है यहाँ पर ATGCAA कुछ ऐसा सीक्वेंस है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग बनती है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, TAG और यहाँ पे आ गया आपका T देन TNT. तो आप देख रहे हो ये वाला जो यहाँ पे फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे C के साथ जो है वो टी का जो कॉम्प्लीमेंट बना है, यानी कि ये वाला जीन जो वो डिफेक्टेड हो चुका है, ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है. कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स यहाँ पे इसने पेयरिंग फॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ पे इसकी पेयरिंग नहीं होगी. अब ए की तो टी के साथ ही होती है, हमें पता है नाइट्रोजीनस बेसिस ए जो वो टी के साथ कंबाइन करता है, सी जो है वो आपका जी के साथ कंबाइन करता है. तो यहाँ पे आपका डिफेक्ट फॉर्म हो चुका है, ये जो आपका कम्प्लीमेंट्री मतलब ये जो जीन है आपका वो इसके कम्प्लीमेंट्री नहीं है. यहाँ पे सी जो वो टी के साथ कर रहा है तो ये इसके साथ क्या करेगा, अब कम्प्लीमेंट्री नहीं है तो यहाँ पे ये पेयरिंग फॉर्म नहीं करेगा. अगर पेयरिंग फॉर्म नहीं होगी तो आपका डिफेक्ट फॉर्म हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, डिफेक्ट कॉज हो जाएगा तो वो एबनॉर्मेलिटीज जो वो आगे जो है जेनेटिक मटीरियल में भी ट्रांसफ़र करेंगी. अब आप क्या करते हो कि यहाँ पर आपने क्या है, एक जो है वो प्रोटीन इंट्रोड्यूस कर दी, यानी कि जीन जो वो आपने इंट्रोड्यूस दिया. अब वो जीन जो था आपका या प्रोटीन जो थी वो इनएफिशिएंट थी, ठीक है, आपने जो प्रोटीन ऐड करी माना वो गुड है वहां पे, ठीक है, अच्छी है वो प्रोटीन, लेकिन वो अपना वर्क जो वो इनएफिशिएंटली कर रही है, यानी कि जितना काम होना चाहिए जो काम वो प्रोटीन किया करती थी अब ये प्रॉपरली उतना काम नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो इसका भी क्या है, सही यहाँ पे प्रॉपरली ये चीज़ जो वो फॉर्म नहीं हो पाएगी.
अब आप देखते हो, ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ADA के बारे में। तो इस जीन को हमें करेक्ट करने के लिए वो स्पेसिफिक जीन जो वो सिंथेसाइज किया जाता है, और उस जीन को हम क्या करते हैं, मतलब जो हमारे टूल्स हैं उनका यूज़ करके हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। और ये जो हमारा सिक्वेंस यहाँ पे बिगड़ा हुआ है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, वो नाइट्रोजीनस बेस हम यहाँ पे ऐड करेंगे और इस सिक्वेंस को करेक्ट कर लेंगे और फिर से इसका रेगुलेशन जो वो प्रॉपरली हो जाएगा। तो इसी मेथड को जीन थेरेपी बोला जाता है। अब देखिए, जीन थेरेपी जो है आपका मेथड, अब 1990 में केस आया था एक 4-year-old गर्ल का, ठीक है, 4-year-old गर्ल थी। अब उसमें क्या हो गए थे ना, वहाँ पे जो पेयरिंग जो उसकी, मतलब उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज, उसके जीन के स्ट्रक्चर में कुछ एबनॉर्मेलिटीज कॉज हो गई थी, और कहाँ पे हुई थी, एडीनोसिन डीएमिनेज, ये जो एंजाइम है ASC लगा हुआ है ना, तो एंजाइम है, तो यहाँ पे इसी को ADA बोला जाता है, एडीनोसिन डीएमिनेज। तो देखिए, ये जो 4-year गर्ल थी यहाँ पे, ठीक है, इसमें हैविंग एबनॉर्मेलिटीज कॉज हो गई थी, ठीक है, और कैसी एबनॉर्मेलिटीज, एडीनोसिन डीएमिनेज से रिलेटेड। और देखिए, ये जब एबनॉर्मेलिटीज कॉज हो गई है ना, तो देखिए उसके अगर DNA के स्ट्रक्चर में ये फॉर्म है, तो आपको पता है जब ये ट्रांसक्राइब करेगा, पहले तो रेप्लीकेट करेगा, ठीक है, रेप्लीकेशन के बाद जो DNA का बना है, तो जब ये ट्रांसक्राइब करेगा, तो ट्रांसक्राइब करके ये मैसेंजर RNA में मैसेज कन्वे करेगा, तो वो ही क्या हो जाएगा, वो ही मैसेज। अब देखिए, यहाँ पे ये एबनॉर्मेलिटी है ना, तो ये ही मैसेज रेप्लीकेट करके आपका ट्रांसक्राइब करके कहाँ चला जाएगा, मैसेंजर RNA के पास, और मैसेंजर RNA इसको कोडिंग फॉर्म में ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है, ट्रांसलेशन कर देगा उस स्पेसिफिक प्रोटीन में, जो आपका स्पेसिफिक एंजाइम है यहाँ पे, ये वाला एंजाइम। लेकिन अब ये एंजाइम जो फॉर्म हुआ है आपका, ठीक है, ये प्रॉपरली फॉर्म नहीं होगा। अब एंजाइम क्यों नहीं फॉर्म होगा यहाँ पे, ठीक है, वैसे तो ये फॉर्म हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे डिफेक्ट फॉर्म हो गया है, ठीक है, ये एबनॉर्मेलिटी कॉज हो गई है, तो ये प्रॉपरली ये वाला एंजाइम जो है आपका ADA का, ये वाला एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसका एक्सप्रेशन फॉर्म नहीं होता है। अब ये जो आपका ADA एंजाइम जो है, ये इम्यूनोलॉजिकल जो हमारा सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है, ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो वहाँ पे आपको पता है जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन करता है हमारी बॉडी में, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। अब जो गर्ल थी ना, अब उसका इम्यून सिस्टम क्या हो गया, अफेक्ट हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो सवेयर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज़ जो है, सवेयर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज़ जो, वो वहाँ पे उनको कॉज हो जाएंगी, मतलब बहुत सारी डिजीज़ जो वो उसको कॉज हो जाएंगी, और एकदम से मतलब छोटी छोटी डिजीज भी। अब इम्यून सिस्टम क्योंकि उसका प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, अगर इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको बहुत सारी डिजीज वो कॉज वहाँ पे कॉज हो जाएंगी, और उनकी वजह से इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। तो क्या होगा, ये जो हमारी जीन थेरेपी है, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्शन के थ्रू जो है, जो हमारा स्पेसिफिक एंजाइम है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, हम वहाँ पे इंजेक्ट कर देंगे करेक्ट जीन का जो है, जहाँ पे हम बोल रहे हैं ना जो हमारा इनकरेक्ट जीन है वहाँ पे, ठीक है, हमने सिक्वेंसिंग में बताया यहाँ पे क्या है हमारा इनकरेक्ट, मान लो COT के साथ, तो यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट जीन जो है, अब यहाँ पे इनकरेक्ट जीन को हम अपना करेक्ट जीन जो है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है, इंजेक्ट कर दिया जाएगा, और इस सीक्वेंस को क्या करेगा, वो ठीक करेगा वहाँ पे। अब ये जो एंजाइम होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, लेकिन कॉस्टली तो है, लेकिन क्या होते हैं, ये गुड मेथड है, मतलब ये फॉर्म करने के लिए। अब इसमें देखिए डिफरेंट टाइप के, मतलब ये टेक्निक, ये जो है आपके ड्रग फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के फार्मास्यूटिकल के लिए भी इनका यूज़ करा जाता है। ये जो आपके RDT टर्म है, RDT दैट मीन्स रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी जीन थेरेपी का मेथड चलता है। तो यहाँ पे जो हमारा, मान लो कि नॉन फंक्शनल जीन है, जो आपका जीन जो वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उसकी हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं यहाँ पे जो आपका फंक्शनल एंजाइमेटिक जीन है, ठीक है, तो उसके थ्रू उसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो आपका एंजाइम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है,
ठीक है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आपका फंक्शनल एंजाइम जो वो ऐड कर सकते हैं, जैसे बोन मैरो का है मटेरियल है, ठीक है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैंसर लाइक डिजीज हो जाती है वहाँ पे। और देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, हमने अब यहाँ पे बोला ठीक है ये लिया जाएगा सिस्टम और उसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे जी। यहाँ पे हम बात करेंगे लिम्फोसाइट सेल की, ठीक है, लिम्फोसाइट सेल है, हमने क्या करा यहाँ पे, मतलब अगर इसमें डिफेक्ट फॉर्म हो गया तो हमने क्या किया यहाँ पे अपना स्पेसिफिक वो जीन जो वो इंट्रोड्यूस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमने जीन तो इंट्रोड्यूस कर दिया, अब जब जीन इंट्रोड्यूस कर दिया है तो वो इसके साथ क्या करेगा, ये जीन जो हमने इंट्रोड्यूस किया तो जब ये रेप्लिकेट करेगा तो ये भी इसके साथ रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, हमारे पास जो है ये इस तरीके के बहुत सारी कॉपीज जो वो फॉर्म हो गई इसके। लेकिन ये सिर्फ कहाँ पे हुआ, हमारा लिम्फोसाइट सेल में। अब देखिए आपको पता है जो लिम्फोसाइट सेल होते हैं इनका लाइफ स्पैन जो वो बहुत स्मॉल होता है, अब इनका लाइफ स्पैन जो है वो स्मॉल है, और लाइफ स्पैन स्मॉल होने की वजह से क्या हो जाएगा, जब इन सेल की डेथ हो, मतलब डेथ हो जाएगी ना, जब ये खत्म हो जाएंगे सेल आपके, तब क्या होगा, फिर कैसे ये वर्क करेगा। तो इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, इसमें बताया गया कि अगर हम इसके एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में ही चेंज कर दें, ठीक है, जो उसका एम्ब्रियो सेल है ना, मतलब अगर आप पहले ही देख लो उसके एम्ब्रियो सेल के स्ट्रक्चर में ही उस चीज़ को ट्रीट कर दिया जाए तो वो प्रॉपरली सारी होल बॉडी में ट्रांसफर करेगा, क्योंकि आपको पता है जो ऑर्गेनिज्म है वो आपका सिंगल सेल से कंबाइन होकर बना हुआ है, दैट इज द जायगोट। जायगोट ठीक क्या करता है, आपका डिवाइड करता है, देन डिफ्रेंशिएशन करता है, और एक होल ऑर्गेनिज्म जो वो आपका फॉर्म हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका पूरा ऑर्गेनिज्म जो वो एक जायगोटिक सेल से बना हुआ है जो डिप्लॉयड नेचर का होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही देख देंगे, ठीक है, यहाँ पे ही हम उस जीन को इंट्रोड्यूस कर देंगे, जब यहीं पे इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा यानी कि उसके एम्ब्रियो फेज में ही हम उस जीन को इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब आपको पता है एक इसी सेल से तो आपकी डिवाइडेशन होनी है, ठीक है, आपके 2 से 4 सेल बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे, देन 32 बनेंगे, तो इसके इस वजह से आपके बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स वो आपके फॉर्म हो जाएंगे और एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेंगे। तो यही सेल तो आपके आगे से आगे सभी जो सेल्स हैं उनमें फॉर्म होते हैं, अगर आपने पहले ही यहाँ पे जीन वो इंट्रोड्यूस कर दिया तो वो आगे से आगे आपकी होल बॉडी में जो वो जीन ट्रांसफर हो जाएगा और वहाँ पे क्या है उसकी एम्प्लीकेशन होती रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं और एम्ब्रियो स्टेज में ही उसको क्या कर देते हैं, वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेथड इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, हम जीन थेरेपी में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका जीन थेरेपी का। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका अब यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन डिजीज डायग्नोस, ठीक है। अब हम डिजीज़ की डायग्नोसिस में भी अपनी RDT टर्म का यूज़ करते हैं, तो कैसे किया जाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। अब हम करेंगे डायग्नोस होता है पता लगाना, मतलब डिजीज़ के बारे में, ठीक है, उसको डिजीज़ डायग्नोस बोला जाता है। अगर आप पेस्ट रेजिस्टेंट की बात कर रहे हो यहाँ पे, मतलब क्या एडवांटेजेस हैं हमारी RDT या जेनेटिक इंजीनियरिंग टर्म की, ये डिजीज़ की डायग्नोस करने में कैसे हमारी हेल्प करती है, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। एप्लीकेशन है, मतलब क्या क्या यूजेस है, क्या बेनिफिट हैं इसके कहाँ पे RDT टर्म के। तो देखिए हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, ओके, देन वायरसेस, फंगाई, ओके, डिफरेंट निमेटोड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजन जो वो हमारी बॉडी को अटैक करते रहते हैं, ठीक है, तभी तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज जो वो कॉज होती रहती हैं। अब आपको पता है ह्यूमन बॉडी जो है ना वो क्या करती है, उसका इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम है, तो वो वहाँ पे जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है, ये फॉरेन पार्टिकल यानी कि कोई भी पैथोजन, चाहे आप बैक्टीरिया की बात करें चाहे वायरस की बात करें, वो हमारी बॉडी में, ठीक है, ये जो ह्यूमन बॉडी है जब इसमें ये एंटर कर जाते हैं तो वहाँ पे आपको पता है कि हमारी बॉडी क्या करेगी, एज अ एंटीजन है ये, ठीक है, तो जैसे ये हमारी बॉडी के पास आएंगी तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इसके अगेंस्ट जो वो एंटीबॉडीज फॉर्म करनी स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये फॉरेन बॉडी है तो इसके अगेंस्ट ये क्या करेगा, यहाँ पे एंटीबॉडी फॉर्म करेगा। अब देखिए एंटीबॉडी फॉर्म करता है इसके अगेंस्ट, तो इसको वहीं पे किल कर देता है और हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है, तो ये हमारे सेल को अटैक नहीं करता है, क्योंकि ये जानता है कि हमारी बॉडी के सेल्स कौन से हैं। अब हमारी बॉडी के सेल्स को ये जानता है तो उसको अटैक नहीं करेगा। अगर सम केसेस में अगर ये हमारे इम्यून सिस्टम को, मतलब ऑटो इम्यून सिस्टम जो है उसको अफेक्ट करना स्टार्ट कर दे, मतलब अपने ही सिस्टम को वहाँ पे सेल्स को ब्रेक करना स्टार्ट करती है, तो हमें क्या हो जाएगी, बहुत सारी डिजीज जो वो कॉज हो जाएंगी, ठीक है, तो डिजीज जो वो
और अपनी बॉडी को धीरे धीरे ये डिस्ट्रॉय करती रहेंगी चीज़ें। तो ये अपनी बॉडी को अफेक्ट नहीं करता है, ये बाहर के जो पैथोजेंस हैं लाइक बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंगल है या प्रोटोजोनल है, उनको अटैक करता है और उनको किल कर देता है, ठीक है। और किल करके क्या कर देता है, हमारी बॉडी से एक्सपेल कर देता है, ठीक है, बाहर निकाल देता है, फैगोसाइटोसिस की फॉर्म में हम बताया था। चलिए तो हमें कैसे पता चलेगा इन सब चीज़ों के बारे में, देखिए। अब देखिए, अगर हमें पता लगाना है, हम बोल रहे हैं कि हमें डिजीज़ का डायग्नोज कैसे होगा, ठीक है, तो हमें डिजीज़ का डायग्नोज तभी हो जाएगा, देखिए, जब ये एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं ना, तो हमें पता कैसे चलता है, जब इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, जब इनका नंबर बढ़ जाता है तो हमें क्या है, अपनी बॉडी में कुछ सिम्टम जो हैं वो दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब हमें सिम्टम पता चलते हैं तभी हमें पता लगता है कि हमें जो है ये स्पेसिफिक डिजीज़ कॉज हो गई है, और तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तभी डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं और उन टेस्ट से डायग्नोज करता है डॉक्टर कि हमें इस टाइप की डिजीज़ जो वो कॉज हुई है। तो ये तब होगा जब एंटीजन की कंसंट्रेशन, और उस टाइम तक एंटीजन की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमें तो तभी सिम्टम से ही पता चलेगा कि हमें ये डिजीज़ हुई है, ठीक है, अर्ली सिम्टम में हमें पता नहीं चलता है। तो देखिए, हम RDT टर्म का जब यूज़ करेंगे, ये जो रिकम्बिनेंट आपके DNA टेक्नोलॉजी टर्म है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की, तो बिफोर सिम्टम, मतलब सिम्टम फॉर्म होने से पहले ही हमें क्या है, उस डिजीज़ का डायग्नोस हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा जब वहाँ पे एंटीजन की कंसंट्रेशन जो है वो काफ़ी लेस है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, तो उसके सिम्टम होने से पहले ही इस RDT का टर्म या फिर आप PCR टेक्नोलॉजी का अगर यूज़ करोगे तो हमें क्या है, एंटीजन की कंसंट्रेशन जो आपकी काफ़ी कम है उसके बारे में वहाँ पे पता लग जाएगा। और अगर हम अर्ली टाइम में पता लग जाएगा तो हम अर्ली उसको डायग्नोज करके, ठीक है, डायग्नोज करेगा डॉक्टर, तो हम इसको क्या है, ट्रीट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे RDT टर्म, PCR टर्म है, तो ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब PCR मैंने आपको बताया था, जब ये 30 साइकल्स फॉर्म करती है ना अपनी टोटली, तो 30 साइकिल में ये उस एक जीन को, जब ये 30 साइकिल कंप्लीट करेंगी PCR की, तो इसमें ये 30 साइकिल में 1 billion, ठीक है, वो 1 billion जीन जो है वो आपके जो स्पेसिफिक जीन हम वहाँ पे एम्पलीफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 1 billion जीन जो वो फॉर्म हो जाते हैं वहाँ पे। तो आप देखिए उन जीन्स के कि कितने जीन वहाँ पे फॉर्म हो चुके हैं, ये PCR टेक्निक का यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, उस डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। और डायग्नोज अगर अर्लियर टाइम में कर लिया जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में करेंगे ना तो उनकी कंसंट्रेशन एंटीजन की हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा नहीं होगी, अगर अर्ली टाइम में पता लग जाएगा तो हम उसकी प्रॉपरली उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कि किस टाइप की डिजीज़ जो वो हमें कॉज हो गई है और उसको अर्ली टाइम में ही डायग्नोज कर लिया जाएगा। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं आपकी, जैसे RDT PCR टर्म्स हैं, ठीक है, इनका यूज़ करके हम डायग्नोज कर सकते हैं डिजीज़ को और अर्ली उसको क्योर किया जा सकता है। नहीं तो अगर हमें जब तक पता चलता है ना, अगर कन्वेंशनल मेथड हम यूज़ करते हैं तो जब तक हमें पता चलेगा हमें क्या होगा, जब तक हमें सिम्टम फॉर्म नहीं हो गए तो हमें तो पता नहीं चलता कि हमें डिजीज़ कॉज हो गई है। जब हमें सिम्टम फॉर्म होते हैं, जब तक इन पैथोजन की कंसंट्रेशन, मान लो बैक्टीरिया एंटर करे है, तो हमें फीवर होगा तो हमें पता लगेगा कि हमें ये डिजीज़ हो गई है, ठीक है, तब भी हमें पता नहीं चलेगा, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है, वो टेस्ट लिखेगा कुछ हमारे वहाँ पे, जब टेस्ट होंगे तो उन टेस्ट के थ्रू जब वो एंटीजन देखेंगे कि कौन कौन से कितनी कंसंट्रेशन बढ़ी है, तब तक कंसंट्रेशन इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है, ठीक है, तो तब हमें सिम्टम का पता चलता है। अगर लेट टाइम में हमें पता चले तो इवन डेथ भी हो सकती है उन केसेस में, ठीक है। तो ये हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी की टर्म है, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है इन सारी थिंग्स में। चलिए आगे देखते हैं, एडवांस ओरिएंटेशन मेथड यूज किए जाएंगे। तो नॉर्मली जो यूरिन एनालिसिस मेथड करते हैं, ठीक है, कोई टेस्ट करना है, जैसे यूरिन एनालिसिस मेथड है, यूरिन टेस्टिंग करी जाती है, तो उसमें भी एंटीजन की कंसंट्रेशन देखी जाती है कि कितनी ज़्यादा है, और उस कंसंट्रेशन से हम कन्वेंशनल, मतलब जब हमें पता लगेगा कि कितनी कंसंट्रेशन है तभी तो हम क्या कर पाएंगे, अपना कन्वेंशनल मेथड भी यूज़ कर पाएंगे, उसी मेथड के थ्रू जो है हम उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीट कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें ट्रीटमेंट, अगर हम पहले से ही उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए, ठीक है, अगर हम पहले ही अपने इन मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करके यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि कौन सी डिजीज़ के लिए आपका कौन सा ये जो जीन है, स्पेसिफिक जीन है, वो रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि आपकी पैथोफिजियोलॉजिकल
ठीक है, अगर आप उसकी पैथोफिजियोलॉजिकल उसका वे जान ले, पैथोजन होते हैं मतलब पैथोलॉजिकल क्या होता है उसका डिजीज का कॉजिंग रीजन जान ले कि कौन सी जीन है जो स्पेसिफिक जीन मतलब कौन सी जीन है जो स्पेसिफिक डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर हमें उन्हें पता लग जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपके पैथोजन ने अटैक करा है बॉडी के ऊपर, ठीक है, तो जब वो इंटरेक्ट करेंगे ना तो उनकी जैसे कि एंटीजन आया और इसने हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर अटैक किया, ठीक है, अगर यहाँ पे इसने ह्यूमन बॉडी के ऊपर अटैक किया तो जैसे ही यहाँ पे ये एंटीबॉडी फॉर्म करेगा और जैसे ही यहाँ पे इंट्रैक्शन होगी ना तो ये इसको यहीं पे ब्लॉक कर देगा, बाहर ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। और वो कैसे होगा ब्लॉक, जब हमें पता, जब हम इन मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करेंगे तो हमें पता लग जाएगा, और इंट्रैक्शन जैसे ही एंटीजन की एंटीबॉडी के साथ होती है तो वहाँ पर उसकी ब्लॉकिंग हो जाएगी, या पैथोजन जब अटैक करता है तो हम साइटोसिस मेथड का यूज करेंगे। अब ये क्या करते हैं, फैगोसाइटाइज जो होते हैं ना आपके लिम्फोसाइट्स ही सेल हैं ये WBC, तो ये क्या करते हैं जैसे एंटीजन आएंगे तो इनको ईट कर लेंगे, ठीक है, इनको खा जाएंगे, उनका जो वेस्ट बचेगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा बॉडी से। तो ये मेथड है, यूरिन एंड सीरम एनालिसिस करी जाती है, ठीक है, तो ये हम डिफरेंट RDT मेथड, देन जेनेटिक इंजीनियरिंग का आपका PCR मेथड है, ठीक है, तो ये आपके सारे ही RDT है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेथड है, देन यहाँ पे आपका PCR मेथड है, ठीक है, एलिजा मेथड है, इन सब का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इनको प्रॉपरली डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है, और हमें पता लग सकता है कि हम क्या है इसको अर्ली टाइम में ही क्योर कर सकते हैं डिजीज़ को, तो अर्ली डायग्नोज कर लेंगे तो उसको प्रॉपरली जो वो क्योर भी किया जा सकेगा। ओके, देन हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, हमने बात करी कि कैसे RDT को, ठीक है, अर्ली डायग्नोज करेंगे, देन उसको क्योर कर सकेंगे, टाइमली क्योर कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो DNA का स्ट्रक्चर होता है ना, यानी कि न्यूक्लिक एसिड है, अब PCR में उसकी क्या करी जाती है, PCR में हम उसकी एम्प्लीफिकेशन करते हैं। एम्प्लीफिकेशन करना क्या होता है, उसके नंबर को इंक्रीज़ करना, जो हमारा स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके नंबर को हम एम्प्लीफाई करते हैं, यानी कि इंक्रीज़ करते हैं। जैसे मैंने वो बताया आपको, अगर 30 साइकिल कंप्लीट करी जाती है तो 1 मिलियंस वो आपके इंटरेस्ट ऑफ जीन जो वो वहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। तो HIV की डिटेक्शन के लिए भी, ठीक है, यहाँ पे अगर हमें HIV वायरस है उसकी डिटेक्शन करनी है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इस PCR टर्म का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी कॉपीज फॉर्म कर देता है, और बहुत सारी कॉपीज जब ये फॉर्म कर देगा तो हमें क्या है डायग्नोस हो जाएगा कि ये स्पेसिफिक जो है एंटीजन यहाँ पे एंटर कर रहे हैं और इनकी कितनी कंसंट्रेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता लग जाएगा कि किस टाइप की डिजीज़ जो वो उस पेशेंट को यहाँ पे फॉर्म हुई है। अगर अर्ली स्टेज में है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायग्नोस करके उसकी प्रॉपरली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे एलिजा के बारे में। तो एलिजा के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है, एलिजा टेस्ट जो है आपका, तो हम पिछली पहले के लेक्चर जो है उनमें बात कर चुके हैं। सबसे पहले एलिजा टेस्ट जो एड्स के लिए किया जाता है, HIV वायरस के लिए, ठीक है, देन आपका इसमें इसकी फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे मीन्स एनालिसिस करना, ठीक है, ऐसे होता है एनालाइज करना है किसी चीज़ को, जो टेस्ट करते हैं ना उसके ही ऐसे बोला जाता है। एंजाइम यानी कि एंजाइम यहाँ पे अब आपका एंटीबॉडीज के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, और उसको डिटेक्ट कर लेगा वहाँ पे जो आपकी एंटीजन बाहर से आएंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे हम मोस्टली इस मेथड का यूज़ करते हैं, एलिजा टेस्ट जो है ना इसका यूज़ किया जाता है डिटेक्शन ऑफ, जैसे जीन ऑफ कैंसर है, ठीक है, कैंसर के जीन है उनकी डिटेक्शन करने के लिए भी हम इनका यूज़ कर देते हैं, ठीक है। मोस्टली जो एज्ड पर्सन है जिनमें ये मोस्टली डिजीज़ कॉज हो जाती है, या एनी टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है, किसी भी टाइप का जो जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया है, ठीक है, उस बेसिस पे भी हम क्या करते हैं इस टेस्ट का यूज़ करा जाता है। अब मैंने आपको बताया, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे सिक्वेंस है हमारा ATGCAT, ओके, यहाँ पे ये सीक्वेंस फॉर्म हुआ है, तो हमारा ये कॉम्प्लीमेंट्री ये DNA का था, ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंसिंग में क्या चेंज आ गया आपका TAC, तो यहाँ पे देखिए अब आप देखोगे यहाँ पे आपको चेंज जो वो देखने को मिलेगा, मान लो यहाँ पे जो है आपका A फॉर्म हो गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो आपका सीक्वेंस है ये बना हुआ है, यहाँ पे ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री जीन यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ।
अब यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री यानी कि सी के कम्प्लीमेंट्री जो वो आपका जी आना चाहिए था। आपने देखा है नाइट्रोजीनस जो बेस पेयरिंग होती है उसमें ए टी के साथ कंबाइन करता है और आपका सी जो वो ट्रिपल बॉन्डेड जो है वो जी के साथ होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ठीक है जो सिक्वेंसिंग है उसमें कम्प्लीमेंट्री जो बेस पेयरिंग है वो प्रॉपरली नहीं हुई है, सी की जी के साथ होनी चाहिए थी, तो ये वाला सिक्वेंस जो वो आपका प्रॉपर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ यानी कि आपके जीन में म्यूटेशन आ गई है, म्यूटेशन होता है जीन में चेंजेस आ गए हैं यानी कि आपका डिफेक्ट कॉज हो गया है। अब देखिए डिफेक्ट, अब ये स्ट्रक्चर आगे से आगे ट्रांसक्राइब होगा ना, मैसेंजर आरएनए में जाएगा देन प्रोटीन फॉर्मेशन होगी, तो वहाँ पे ये डिफेक्ट भी आगे से ये ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आपका डिफेक्ट फॉर्म हो गया है तो डिफेक्ट क्या करेगा, म्यूटेशन कॉज कर देगा आपके डीएनए के स्ट्रक्चर में, ठीक है डीएनए का स्ट्रक्चर जो है। तो हमें इन कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस को, ये जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री है ना जो एक दूसरे के, इन कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस को फाइंड आउट करना पड़ता है। ये जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं जो नाइट्रोजीनस बेस पेयरिंग है ठीक है, इनको सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम उन्हें फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअली वे डिफेक्ट है कहाँ पे, ठीक है। तो जब हम इनको फाइंड आउट कर लेंगे ठीक है, ये आपका कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन सा नॉन कॉम्प्लीमेंट्री है, तो वहाँ पे इसको फाइंड आउट कर लिया जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर पेयरिंग। अब हम देख रहे हैं कि इसकी पेयरिंग, ये तो इसके साथ बाउंड हो जाएगा ठीक है, ये तो इसके साथ बाउंडिंग करेगा, लेकिन ये वाला सिक्वेंशियो ये नहीं कर पाएगा क्योंकि ये इसका कम्प्लीमेंट नहीं है, तो यहाँ पे ये पेयरिंग फॉर्म नहीं करेगा ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन में भी इसकी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। अगर चेंज आ गया है तो इस सीक्वेंस को देख के हमें पता लग जाएगा, सस्पेक्ट हो जाएगा ठीक है, हम पता लगा लेंगे कि यहाँ पे कोई डिजीज जो वो कॉज हो चुकी है आपकी ठीक है। जैसे कैंसर डिजीज है, कैंसर का जो पेशेंट है ठीक है, अगर ये पैटर्न चेंज हो चुका है तो हमें उस सीक्वेंस से पता चलेगा कि ये सीक्वेंस चेंज हुआ है, मतलब वहाँ पे कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटीज या डिजीज जो वो कॉज हो चुकी है। तो ये मेथड जो वो एलिजा मेथड है जिसका हम यहाँ पे यूज करते हैं ठीक है। अब यहाँ पे जीन इंट्रैक्शन का भी है ठीक है, जीन इंट्रैक्शन के थ्रू भी, अब जीन की इंट्रैक्शन जो होती है या प्रॉबिंग से रिलेटेड जो है वो हमने बात भी करी थी, डीएनए प्रॉबिंग की बायोटेक्नोलॉजी में भी मैंने आपको बताया था डीएनए प्रॉब के बारे में। एक्चुअली ये प्रॉब होता क्या है ठीक है, ये जो प्रॉबिंग के बारे में देखेंगे। अब आपका ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड आरएनए का जो स्ट्रक्चर है ठीक है, जेनेटिक मटेरियल में तो चेंजिंग आएगी तभी तो वहाँ पे म्यूटेशन कॉज होंगे। हम क्या करते हैं, ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर है यहाँ पे टैगिंग कर देते हैं हम। टैगिंग किससे करेंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से ठीक है, उसको रेडियो एक्टिव जो मॉलिक्यूल है उसके साथ हम क्या कर देते हैं, जो यहाँ पे डीएनए या आरएनए का जो भी स्ट्रक्चर है उसकी हम टैगिंग कर देंगे, किसके साथ, रेडियो एक्टिव के साथ ठीक है। इसकी अब टैगिंग हो गई, अब टैगिंग होने से हमें पता लग जाएगा ठीक है कि जो हमारा डीएनए का मतलब वहाँ पे मॉलिक्यूल होगा या सिक्वेंस होगा उसके बारे में हमें पता लग जाएगा ठीक है। तो ये जो हम यहाँ पे टैगिंग करते हैं ना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ, इसी को प्रॉबिंग बोला जाता है, यही है आपका प्रॉबिंग ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए डीएनए या आरएनए जो आपका सिंगल स्टैंडर्ड है उसका हमने रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ टैगिंग कर दिया, दैट इज़ द प्रॉबिंग। तो उसको अलो किया जाएगा कि वो जो कम्प्लीमेंट्री स्टैंड है वहाँ पे ठीक है उसके साथ जाके हाइब्रिडाइज करें। अब ये क्या करेगा ठीक है, ये जो आपका प्रॉब है ये हाइब्रिडाइज करेगा ठीक है। ये हाइब्रिडाइज करना क्या होता है, पेयरिंग करेगा यहाँ पे। पेयरिंग किसके साथ करनी है, जो आपका कम्प्लीमेंट्री स्टैंड है, कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है आपका डीएनए में ठीक है। मान लो यहाँ पे देखिए ये आपका कम्प्लीमेंट्री, मान लो यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है, ये आपका है सीक्वेंस ए टी सी जी ए ठीक है, मान लो ये सीक्वेंस दे रखा है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे देखो ये जो सीक्वेंसिंग फॉर्म हो रही है ना, तो इसका कम्प्लीमेंट्री ये किसके साथ हो यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे ये फॉर्म कर रहा है टी ए जी सी टी ठीक है। और यहाँ पे सीक्वेंसिंग थोड़ी सी चेंज होगी ठीक है, हो सकता है यहाँ पे सी टी ए ठीक है, तो इसका अलग है यहाँ पे ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सीक्वेंसिंग दे रखी है सी ए ए ठीक है, कुछ इस टाइप की सीक्वेंसिंग है। तो आप देख पा रहे हो ठीक है, हमने क्या किया है, जो हमारा डीएनए का ये जो सीक्वेंस था
ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, अब जो हमारा हमने प्रॉबिंग कर दी, यानी कि डीएनए या आरएनए का जो सिंगल स्टैंडर्ड आपका था स्ट्रक्चर, उसमें रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ उसको क्या कर दिया, टैग कर दिया, मतलब उसके ऊपर लगा दिया। अब हमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, जो साइन करते रहते हैं, तो अब जैसे ही हमने प्रॉबिंग कर दिया, अब हम इसको हाइब्रिडाइज करेंगे, यानी कि पेयरिंग करेंगे किसके साथ। अब ये था मान लो यहाँ पे जो हमारा ये जो है प्रॉब वाला, ठीक है, मान लो कि ये है हमारा सीक्वेंस, इतना दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला सीक्वेंस है ये वाला। अब हमारा क्या है, हम देख रहे हैं, हमने यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री स्टैंड के साथ, जो इसका कम्प्लीमेंट्री स्टैंड है, वहाँ पे क्या कर दिया है, स्टैंड की पेयरिंग कर दी, यानी कि उसको हाइब्रिडाइज कर दिया। अब ये हाइब्रिडाइज करके यहाँ पे कुछ स्पॉट, जब हम इसको ऑटो रेडियोग्राफी से देखेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू जब इसको देखा जाएगा, तो यहाँ पे हमें डीएनए के ये स्पोर्ट्स फॉर्म होंगे, ठीक है, हमें स्पॉटेड फॉर्म में ये दिखाई देंगे, और वो स्पोर्ट्स जो है वो आपको साइन करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है, चमकते हुए दिखाई देंगे। तो वहाँ पे आपको डिटेक्शन हो जाएगी, ठीक है, आप वहाँ पे क्या कर लोगे, डिटेक्ट कर लोगे कि ये जो है आपके, ठीक है, किसके साथ जो वो हाइब्रिडाइज किया गया है। तो यहाँ पे कलर, अब देखिए एक बात क्या होती है, जब आप इसको करते हो ना, प्रॉबिंग करते हो, तो ये साइन तो करेगा ही, आपको पता है हम साथ में क्या करते हैं, यहाँ पे कलरिंग के लिए जो डिफरेंट टाइप के आपके एंजाइम यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, अब ये एंजाइम क्या करते हैं, यहाँ पे कलर जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना, ये जो आपका बना, तो ये कलर फॉर्म करता है, जो आपका कलर बनेगा, मतलब प्रोडक्ट बनेगा, वो कलर फॉर्म में आ जाता है। तो रेडियो एक्टिव जो बाइंडिंग है वो आपको कैसे डिटेक्ट होगी, वो आपको कलर फॉर्म में डिटेक्ट होगी, ये मैं जैसे रेड या येलो कलर में बिल्कुल आपको दिखाई देगा जब ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर लेंगे आपस में। तो इस तरीके से आप डिटेक्शन कर लोगे, और डिटेक्ट करके मतलब रेडियो प्रॉबिंग करोगे, डिटेक्शन कर लोगे, और आपको जो वो डिजीज का पता लग जाएगा, आपको सस्पेक्ट हो जाएगा कि कौन सा म्यूटेटेड जीन है। जैसे आपको ये है, ठीक है, यहाँ पे ये साइन करना स्टार्ट कर देगा, और आपका एक स्पेसिफिक कलर जो वो फॉर्म कर देगा वहाँ पे। अब एंजाइम ही जो है वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट टाइप की कलर की फॉर्मेशन के लिए। तो ये ब्राइट कलर यहाँ पे, ठीक है, साइन करेगा और फॉर्म हो जाएगा, और आपको डिटेक्ट हो जाएगा कि किस टाइप की डिजीज जो वो यहाँ पे कॉज हुई है, या किस टाइप की भी जैसे ये प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे पेरेंट्स में फॉर्म हो गई है, या जेनेटिक प्रॉब्लम जो वो आगे से आगे ट्रांसफर होती है, तो हम उनको डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करके डायग्नोज जा सकता है। तो ये था आपका डीएनए प्रॉबिंग के बारे में। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स आती हैं, लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ठीक है, जैसे आपको बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसमें आपको पता है कि ग्लाइकोप्रोटीन आपकी प्रेजेंट होती है। तो चलिए थोड़ा सा एलिजा टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है, तो एलिजा टेस्ट के बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि कैसे करता है। तो एक बार बता देती हूँ, मेनली इसका प्रिंसिपल जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। अब देखिए ये क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में भी पूछा गया था कि एलिजा जो आपका टेस्ट है वो मेनली किस प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड है, तो ये आपका एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड है। अब देखिए फॉरेन एंटीजन है आपका, जब ये क्या करता है, एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, अब ये इसने एंटर किया ह्यूमन की बॉडी में, तो हमारी बॉडी में क्या है, जैसे बाहर का कोई यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है, तो ये एंटीबॉडीज जो हैं उसके अगेंस्ट फॉर्म कर देती है, ठीक है, ये उसके अगेंस्ट क्या करेगी, उस एंटीजन के अगेंस्ट जो वो एंटीबॉडीज फॉर्म कर देगी, क्योंकि उसके लिए वो बाहर का यहाँ पे क्या है, जो बाहर का सब्सटेंस है ना, तो उसको वो क्या कर लेगी, वहीं पे डिटेक्ट करेगी। अब यहाँ पे क्या हो जाती है, ये आपको पता है बाईशेप होती हैं, ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर, तो मतलब ये बाईशेप जो इसका स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो हमने चेन्स की भी बात करी थी, लाइट एंड हैवी।